दोस्तों, अरे पिंचन आने के बाद ना फ्रैंकलिन भैया और चॉप और पिंचन मेरे को भूल गए हैं। देखो, अरे भाई हमारा ना पिंचन एक नंबर है भाई, हमारे नया सिंचन एक नंबर है भाई, उसको हमने बहुत सारा गिफ्ट दे दिया है। आप भैया एक नंबर बात कीजिए, एक नंबर बात कीजिए। अगलू हमारा पुराना सिंचन बेकार था, हमारा नया सिंचन पिंचन एक नंबर कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पता चल गया तुम सब मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। दोस्तों कोई बात नहीं, अरे भाई हमारा नया सिंचन है एक नंबर। हमारा पुराना सिंचन तो भाई पिद्दी था, सच में उसका दिमाग नहीं था, बददिमाग था एक नंबर का। दोस्तों देख रहे हो ना, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, उसने मेरा जगह छीन लिया। मैं उस जगह होता तो मेरे को बहुत ज्यादा कार्ड मिलता। भाई पिद्दी कहीं कहीं निकल जा, भाई पिंक सिंचन के बच्चे निकल जा। सो गाइस हमारा पुराना सिंचन नया सिंचन को मार रहा है। दोस्तों तू निकल जा, तू मेरी जगह से निकल जा, तू पिद्दी है पिद्दी, तूने मेरा जगह छीन लिया। अरे तू सिंचन तू मार खाएगा मेरे हाथ से, ये ले चल नया सिंचन, मैं हम दोनों मिलके पुराने सिंचन को मारते हैं। सही बताया, चल मारते इसको। चल इसका पिद्दी गई क्या? अबे तू पुराना सिंचन है, तेरा दिमाग नहीं है, तू 5 साल का छोटा बच्चा है यार। हमारा नया सिंचन कितना खूबसूरत है, दिखने में कितना बढ़िया। अरे पैंगू भैया लग रहा है मेरे को बहुत जोर से लग रहा है। अबे पिद्दी गई का तेरा दिमाग नहीं है, तू उल्टा सीधा कर सबको बोलता है, 5 साल का है, इसको मार के भगा दे नया सिंचन। आज से तो हमारा सिंचन है सिर्फ पिंक सिंचन। अरे दोस्त मैं यहाँ से चला जाता हूँ, प्रैंगिन भैया मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, प्रैंगिन भैया मेरे को मार के भगा दिया वहाँ से। मजा आ गया। अरे प्रैंगलिन भैया मजा आ गया, हमारे पूरा सिंचन तो मजा आ गया, उसके साथ हम लोग प्रैंक कर रहे थे। हाँ यार, सो आप लोग सोच रहे हो गाइस मैं सिंचन को इतना गंदी तरह क्यों मार रहा था। सो गाइस 2-3 दिन बाद आने वाला है सिंचन का बर्थडे, हम सब एवेंजर्स भी एक साथ उसको बर्थडे गिफ्ट देंगे, बढ़िया सा सरप्राइज। इसलिए गाइस कुछ दिनों से ना मैं सिंचन को थोड़ा सता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही सता रहा हूँ, आप तो देख के समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता था। आई थिंक गाइस अब तो सिंचन रोते रोते कभी दूर गया होगा। अभी तो गाइस 2 दिन बाद जब उसका बर्थडे सरप्राइज देंगे भाई एक नंबर, उसका रिएक्शन आएगा, इसलिए गाइस मैं इसको मार रहा था। अरे दोस्तों देखे ना, फ्रैंकलिन भैया मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और चॉपी मेरे से कोई प्यार नहीं करता, और गाइस वो नया सिंचन ना पिंक सिंचन मेरा पूरा जगह छीन लिया। गाइस मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ सबके ऊपर, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और दोस्तों मैं एवेंजर्स के पास जब गया था ना, एवेंजर्स ने हमको लात मार के भगा दिया, बोल रहा है नया सिंचन सबसे बढ़िया। दोस्तों आपको भी ऐसा ही लगता है कि नया सिंचन मेरे से भी बेहतर? तो दोस्तों मैं इन सब के बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, इसलिए गाइस मैं दुख के मारे ना बड़े से माउंटेन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं रहूंगा, मैं कभी भी फ्रैंकलिन भैया चॉप से और एवेंजर से कभी किसी वक्त भी बात नहीं करूंगा, ये सब बहुत ज्यादा बुरे हैं। दोस्तों मैंने सोचा था फ्रैंकलिन भैया मेरा सबसे अचीज सबसे अच्छा भैया है, मगर फ्रैंकलिन भैया बहुत ज्यादा बुरे हैं। दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ दोस्तों मैं किसी से कभी बात नहीं करूंगा, हाँ दोस्तों ये सब बहुत ज्यादा बुरे हैं। सो गाइस मेरा सब आरसी कार, इतना बढ़िया कार्ड, मेरा सब कार्ड उनको दे दिया, वो नया सिंचन कार्ड, मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं है, फ्रैंकलिन भैया ने मेरे साथ सही नहीं किया। 1 मिनट दोस्तों, कोई ऊपर से मेरे को धकेल लिया, अरे बचाओ, अरे नहीं 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 बचाओ मेरे को आ रहा है, अरे किसने मेरे को ऊपर से धकेल लिया दोस्तों सब, अरे लग गया, अरे मेरे को ही बचाओ, मैं सही से चल नहीं पा रहा हूं, मैं से बात कर रहा हूं पर मेरे को ही बचाओ, अरे दोस्तों कोई है? मैं हूँ लावा टाइटन का बेटा रेड रेवेंजर, मैंने धकेल दिया ऊपर से सिंचन को। मेरे को जब पता चला फ्रैंकलिन का सबसे अजीज दोस्त सिंचन वहाँ पे खड़ा है, मैंने उसको जानबूझ के धकेल दिया। अब तक तो आई थिंक वो बेहोश हो चुका होगा, अभी उसके पास में जाके उसको उठाऊंगा, उठाने के बाद मैं ले जाऊंगा अपने लावा टाउन पे और उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा। ये सबसे हमारा अजीज हथियार बन जाएगा एवेंजर्स को खत्म करने के लिए। मैं ले जा रहा हूँ लावा टाउन पे, सामने है मेरे बड़े भैया, यही सब हम काम कर देंगे हमारा। अब द एवेंजर्स का खात्मा होगा, अब सिंचन का ब्रेन वॉश अभी इसी वक्त कर देंगे, सिर्फ बड़े भैया से हम लोगों का परमिशन चाहिए। ओहो, मेरा छोटा भाई बहुत बढ़िया काम किया है, इतने सालों से मैं इसका इंतजार कर रहा था, कभी ये सिंचन आगे आएगा मैं इसका ब्रेन वॉश कर दूंगा, उसके बाद हम सब इसको कंट्रोल करेंगे और एवेंजर्स का खात्मा है। और पिद्दी सा फ्रैंकलिन हर बार मेरा रास्ते का कांटा होता है, आज उसके भाई को ही उसके खिलाफ यूज करेंगे। बढ़िया किया मेरे छोटे रेवेंजर भाई। बड़े भाई तो मान गए, अभी इसका ब्रेन वॉश कर देंगे अभी एवेंजर्स। अरे यार मैं टोनी बोल रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मेरे को कॉल किया तो फ्रैंकलिन ने कॉल करके बुलाया फटाफट घर आना। हल्क तेरे को पता है कुछ दिनों से ना सिंचन को बहुत ज्यादा गंदी तरह फ्रैंकलिन मार रहा है, कि उसका पीछे का रीजन तेरे को पता है? हल्क बताए बर्थडे होता है सिंचन का बर्थडे। अरे क्या बात कर रहा है हल्क, तू नीचे नहीं उतरेगा? हम तो आ गए फ्रैंकलिन के घर पे। नहीं हल्क नहीं जाएगा, हल्क यहाँ पे बैठेगा।
ठीक है कोई बात नहीं, एक मिनट, अरे फ्रैंकलिन यहाँ पे चल क्या रहा है? अब सिंचन कहाँ पे गया? निया सिंचन यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन चल क्या रहा है आजकल, तुम क्या कर रहे? अरे टोनी सीन ऐसा है कि कुछ टाइम पहले ना मेरे पास सिंचन आया था, उसको ना मैं मार के भगा दिया। उसको अभी लग रहा है ना फ्रैंकलिन भैया एवेंजर सब बहुत ज्यादा बुढ़े है, मगर उसको पता नहीं बर्थडे सरप्राइज के लिए मैंने उसको इतना गंदी तरह मारा, अब तो बहुत ज्यादा दूर चला गया। अब सुन, अब हमारा काम शुरू होगा कि हम लोग पूरा घर डेकोरेट करेंगे। वो जब एकदम से हमारे घर में एंट्री देगा भाई, उसको एकदम सरप्राइज कर देंगे। उसका बर्थडे है कल परसों, उसको कुछ नहीं पता। आई मीन कल उसका बर्थडे है, उसको कुछ नहीं पता। सही बताया, सही बताया। इसके लिए मैं ना यहाँ पे हूँ। मजा आ गया। अरे सिंचन का बर्थडे, सिंचन भैया का बर्थडे, मजा आ जाएगा। लगता है गुस्से का मारे बहुत ज्यादा दूर जाकर अपना जान ना दे दे। अरे बात तो सही है। अरे फ्रैंकलिन तूने ऐसा सही किया, उसको से मारना नहीं चाहिए था। अरे क्या करूँ यार, मैं भी कंफ्यूज था भाई, उसको कैसे सरप्राइज दूँ। लगता है गाइस तो कहीं दूर ना चला जाए, इतना ही मेरे को डर लग रहा है। लगता है बहुत ज्यादा दूर चला गया, उसको पता नहीं उसका जिद बहुत ज्यादा है, तूने उसके ऊपर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे यार मैंने सोचा था मैं जब उसको जोर से मारूंगा वो गुस्से का मारे बहुत दूर चला जाएगा, उसके बाद मैं उसको सरप्राइज कर दूंगा भाई, उसके बाद तो ज्यादा मजा आएगा। गलती से लगता है मैंने उसको बहुत जोर से मार दिया भाई, गुस्से के मारे कहाँ पे चला गया मेरे को कुछ पता भी नहीं है अभी। तूने सही नहीं किया, लगता है उसका हालत खराब भी हो सकता है। सो मेरे पास एक रास्ता है। सो गाइस आप जो देख रहे हो, सो गाइस सिंचन का हालत सही है तो नो कमेंट करो, सिंचन का हालत खराब है तो यस कमेंट करो। याद से सुनो, सिंचन का हालत खराब है तो यस कमेंट करो, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा सिंचन का हालत सही है का खराब है। एक मिनट, सब क्या कमेंट कर रहे हो? देख एक मिनट गाइस, तुम सब यस क्यों कमेंट कर रहे हो? लगता है सिंचन का हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक मिनट, मैंने सही नहीं किया, लगता है सिंचन हमारे से बहुत ज्यादा दूर चला गया। अरे टोनी यार मैंने नहीं सोचा था इतना गंदा सीन होगा। एक मिनट भाई, देखते देखते रात हो चुका है भाई। टोनी मेरे को अब तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस, देखो अब तो रात होने वाला है, अभी तक सिंचन घर नहीं आया। अरे मेरे तेरे को बोला ना फटाफट चल सिंचन के पास चलते, लगता है कोई मुसीबत में फंस चुका होगा, हम लोग उसको फटाफट बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके जान को खतरा हो सकता है, 5 साल का बच्चा है। तूने सही नहीं किया, पागल है तू। अरे यार मेरे को भी अभी डर लग रहा है, अरे चल फटाफट चल उसके पास फटाफट जाना चाहिए। अरे गाइस मैंने लगता है उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा डांट दिया। अरे टोनी फटाफट चल, मेरे को अभी ना बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। अरे मैंने बोला ना फटाफट चल, मैं इस कार से लोकेशन देखता हूँ उसका, आई थिंक वो ज्यादा दूर ना गया हो। एक मिनट, उसका लोकेशन तो माउंट जिलियाड क्यों दिखा रहा है? अरे नहीं ये करेक्ट लोकेशन नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ी वहाँ पे, उसके साथ कुछ गलत ही हो रहा है, लगता तो मेरे को ऐसा ही है। सो गाइस आपके हाथ में सब कुछ है, सो गाइस जो देख रहे हो प्लीज एक बार उसका हालत कैसा है एक बार कमेंट कर दो, उसका हालत सही है तो यस कमेंट करो फटाफट, और उसका हालत खराब है तो नो कमेंट कर दो। एक मिनट गाइस, मैंने कितना गंदा सीन कर दिया गाइस, मैं लगता है बहुत ज्यादा बुरा फ्रैंकलिन भैया बन चुका हूँ उसके लिए। अभी गाइस मैं क्या करूँ, मैंने सोचा था गाइस मैं इसको सरप्राइज करके बहुत ज्यादा खुश कर दूंगा, और पता नहीं था पीठ पीछे इतना बड़ा कांड हो जाएगा। गाइस अब तो रात होने वाला है भाई, रात में सिंचन बहुत ज्यादा डरता है, अभी तो गाइस वो जंगल में चला गया होगा। और राइट गाइस हम लोग आ चुके एक टनल पे, सो उसका लोकेशन तो यहाँ पे दिखा रहा है। रुक मेरे को यहाँ पे फटाफट गाड़ी रोकने दे। एक मिनट गाइस, हम लोग एक ऊंचे माउंटेन पे ऊपर चढ़ रहे हैं, मगर वो नीचे क्या है? अरे लगता है खून है, फटाफट वहाँ पे नीचे चल। अरे यार मैंने कितना गंदा सीन कर दिया भाई, उस भाई लगता है सिंचन का खून है क्या? नहीं नहीं लगता तो सिंचन का खून, ऐसा हो सकता है? इतना पागल है, इतना खून कोई इंसान का नहीं हो सकता, कोई जानवर का है, लगता है रेड रिवेंजर का काम है। एक मिनट गाइस, मैं जो सोच रहा हूँ भाई, रेड रिवेंजर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो गाइस सिंचन के पीछे लगता है पड़ गया है। और लगता तो ऐसा ही है, उसका ब्लड वही है। सो गाइस मेरी वजह से मेरा छोटे भाई का हालत इतना खराब हो चुका है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये तो डॉक्टर सिंच का कॉल है। अरे फ्रैंकलिन यहाँ पे सिंचन तबाही मचा रहा है फटाफट, ये तो लगता है स्टॉकमैन से अभी तबाह कर देगा। एक मिनट, अरे टोनी फटाफट कार में बैठ जा भाई। सो गाइस मेरे को डॉक्टर सिंच का कॉल किया था, उसने बताया भाई स्टॉकमैन से तबाह कर देगा सिंचन, मतलब मैं समझा नहीं भाई सिंचन इतना कैसे खतरनाक बन गया जो स्टॉकमैन से तबाह करेगा। अब तो गाइस उसके साथ कोई गंदा सीन होगा, उसके बदले वो इतना खतरनाक बन चुका है। एक मिनट में तो बाहर से आंख देख पा रहा हूँ, हमारा स्टॉकमैन से कहाँ पे चला गया? अरे फटाफट चल फटाफट गाड़ी भगा। अरे यार लगता है मेरी वजह से सिंचन इतना गुस्सा हो चुका है, वो एवेंजर्स को तबाह करने के लिए यहाँ पे पीछे पड़ चुका है, लगता है गाइस ये सब मेरा ही गलती है। अरे तू फटाफट गाड़ी भगा, लगता है हम लोग गाइस। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट गाइस, यहाँ पे तो हर जगह आग ही चल रहा है, सारे एवेंजर्स कहाँ पे गए? एक मिनट, यहाँ पे तो एवेंजर्स है। अरे दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे? अरे क्या बताए, सिंचन आया था इतना जोर शोर से तोड़फोड़ करके चला गया, हर जगह तो आग लग गया, ये आग को कौन निभाएगा? अरे सर जी हम लोगों ने उसके साथ सही नहीं किया सर जी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया सिंचन, वो बहुत ज्यादा खौफनाक बन चुका है, खतरनाक, हल्क गुस्सा हो गया, हल्क गुस्सा हो गया, हल्को बचाओ को सिंचन से।
एसगार्ड की कसम सिंचन तो बहुत ज्यादा खौफनाक बन चुका है एसगार्ड की कसम। एक मिनट गाइस, सब एवेंजर्स का बात सुन के तो गाइस मैं भी बहुत ज्यादा डर गया हूँ भाई। सिंचन कैसे बन चुका है जो वो पूरे इतने बड़े स्टार्क मेंशन को एकदम से आग में मिटा सकता है? भाई मुझे फटाफट कुछ करना चाहिए, नहीं तो स्टार्क मेंशन पूरा तबाह हो जाएगा। सो गाइस एवेंजर्स का पूरा घर है, आई मीन हम लोगों का भी घर है, हम लोग यहाँ पे आगे खेलते थे। अभी गाइस क्या सीन होगा? एक मिनट लग जाए तो कोई जादू से बचा सकता है भाई, कोई है तो इसको बचाओ। मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग गया है, लगता है मेरा जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, जो फटाफट नीचे जाके इन सबको बचाना चाहिए। मैं हूँ आइस मॉन्स्टर। एक मिनट गाइस, वो कौन है? वो तो आइस मॉन्स्टर है, वो आइस मॉन्स्टर एकदम से नीचे आ गया भाई। फ्रैंकलिन मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं आइस मॉन्स्टर हूँ, मैं भलाई का रखवाला हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आ चुका है आइस मॉन्स्टर। सो गाइस लगता है आइस मॉन्स्टर ये रोक सकता है, क्यों गाइस उसके पास है आइस का पावर। भाई आइस तो आंख से मिट जाएगा हमारा, भाई आइस मॉन्स्टर एकदम से इतने सारे आंख को भाई मिटा दिया भाई। थैंक यू सो मच आइस मॉन्स्टर, आप बहुत ज्यादा दिल के अच्छे हो। कोई बात नहीं, मैं दुनिया का रखवाला हूँ। ऑलराइट गाइस, जैसे जैसे तो आंख मिटा पूरा स्टार्क मेंशन का। अरे यहाँ पे क्या हुआ था सिंचन आने से पहले? अरे क्या बताया रे फ्रैंकलिन, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंचन आ गया। मैं सिंचन को रोकने का कोशिश किया, सिंचन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है फ्रैंकलिन, उसके पूरे बॉडी में आग चल रहा था और वो हर कुछ तबाह कर रहा था। लगता है वो तेरी घर की ओर न बढ़ जाए, मेरे को उतना ही डर लग रहा है, दुश्मन को मिटाना चाहता है वो फ्रैंकलिन, तेरे को ढूंढ रहा था तेरे को मारने के लिए। अब तो गाइस क्या काम से, अरे टोनी फटाफट कार में आके बैठ जा। अब तो गाइस हम लोगों को बचाने वाला लगता है कोई नहीं है भाई। गाइस मैंने नहीं सोचा था सिंचन इतना गुस्से में इतना डेंजर बन जाएगा, वो हर कुछ तबाह कर रहा है। लगता है गाइस वो मेरी घर की ओर जा रहा है, लगता है चौक को पिंचन को नया सिंचन को खत्म कर देगा भाई। अब क्या काम से, अरे फ्रैंकलिन रुक जा। अरे क्या हुआ एकदम से कार रोकने के लिए की बोला? अरे रुक इस तरह घुमा। अरे क्या हुआ तेरे को? अरे रुक यहाँ पे कार रुक फटाफट भाई। अचानक से भाई टोनी ने कार क्यों रुकवा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे गाइस सिंचन दवाई मचा रहा है, वो कौन है? एक मिनट लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है कि जो रेड रिवेंजर है, मगर वो वहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगता है उसकी बात सुनना चाहिए। सिंचन का मैंने ब्रेन वॉश कर दिया, उसके बाद सिंचन एवेंजर्स और फ्रैंकलिन को तबाही मचा रहा है। अब तक तो फ्रैंकलिन को मार ही दिया होगा। अब सिंचन को ब्रेन वॉश करके बहुत ज्यादा फायदा मिला, उसके बदले मेरा फैमिली भी बढ़ रहा है, हमारा रेड रिवेंजर में शामिल हो गया एक दोस्त। मैं हूँ रेड रिवेंजर। अभी तो खात्मा है पूरे लॉस सैंटोस में। अरे प्रगति तू रुक जा, उसने हमारे भाई सिंचन भाई को ऐसे सही नहीं किया, अभी इन सब का खात्मा है रिवेंजर। भाई साहब टोनी ने तो फटाक से एकदम लेजर से सबको खत्म कर रहा है भाई, वो बड़ा सा रेड रिवेंजर तो लगता है कहाँ पे गया। अरे टोनी इसको मार पहले। तू कौन है? मेरे को दर्द हो रहा है, तू कौन है? तू इतना जोर से क्यों मेरे को मार रहा है? अरे छोड़ दे मेरे को। अरे तूने सही नहीं किया, तूने हमारे छोटे भाई से सही नहीं किया, सिंचन के साथ तूने क्या किया बोल, नहीं तो मैं तेरे खत्म कर दूंगा। ये ले, तू इसको मारता रहे, तब तक मारते जब तक वो सच ना बोले। अरे छोड़ दे मेरे को, मर गया रे। लग रहा है मेरे को छोड़ दे। अभी तो मैंने तेरे को मारना शुरू किया भाई, उसको मुंह पे लात मार, बहुत जोर से मार उसको भाई, एकदम लेजर से उसको खत्म कर दे जब तक वो सच ना बोले सिंचन के साथ उसने क्या किया भाई। सिंचन को इस लगता है मार दिया, यही बना दिया सिंचन को एविलेक्स सिंचन। अरे मैं बताता हूँ मेरे को रोक दे, आयरन मैन तेरे को पूरा तबाह कर देगा, अभी भी तेरे पास वक्त है। अरे मैं बोलता हूँ। अरे तुम कितना मारोगे? हाँ तुम सिंचन को तभी ठीक कर सकते हो, तुम सिंचन के सबको पुरानी याद को तुमको याद दिलाना पड़ेगा, उसके बाद सिंचन फिर से सही हो जाएगा। मेरे को छोड़ दो, मेरे को जिंदा छोड़ दो, मैंने नहीं सोचा था आयरन मैन इतना खतरनाक है। ऑलराइट गाइस, मैंने जो सोचा था सिंचन के साथ इसने बहुत गंदा सीन किया गाइस, सिंचन का उसने माइंड पूरा चेंज कर दिया, उसको लग रहा है ये एवेंजर्स हम लोग बहुत बड़े शैतान है, हम लोग ही पूरा दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। मैं हूँ सिंचन, रिवेंजर हल कर सब मेरे अच्छे दोस्त, एवेंजर्स को खत्म करना है, फ्रैंकलिन को खत्म करना है, ये सब दुश्मन। मैं हूँ सिंचन एविल सिंचन, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तुम सब दुश्मन हो, लॉस सैंटोस का तबाही। रिवेंजर हल को तुम चैन से नहीं रहने देते, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको उड़ा दूंगा मैं। तुम सब मरोगे मेरे हाथ से, तुम सब मैं हमारे हाथ में खात्मा से मरोगे। एवेंजर्स बहुत जल्द तुम भी मरोगे। सब वासियों तुम सब दुश्मन हमारे, तुम सब बुढ़े हो, मेरे को रिवेंजर ने बताया, ये ले मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वही लॉस सैंटोस के राइट साइड पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, इतना जोर जोर से आवाज आ रहा है, लगता है कोई आम आदमी नहीं है। अरे मेरे को जितना लगता है फ्रैंकलिन वही केविल सिंचन है। एक मिनट यहाँ पे हो क्या रहा है, लगता है किसी ने ये सब किया भाई, ये हो क्या रहा है, हर कुछ तबाह हो रहा है, हर एक कार ब्लास्ट हो गया,
एक मिनट, अचानक इतना जोर से बारिश शुरू हो गया यार भाई, बिजली भी चमकना शुरू हो चुका है। अब तो गाइस लॉस सैंटोस का खात्मा, लॉस सैंटोस का खात्मा लग गया ऐसा। एक मिनट क्या है, जोर से टक्कर मार गया। एक मिनट भाई ये हो क्या रहा है? अरे मेरे को लगता है फ्रैंकलिन ये कोई आम आदमी का खेल नहीं है, लग रहा है रेवेंजर अगले क्या है भाई। यहाँ के हर एक कार ब्लास्ट होते जा रहा है भाई, कौन इन सबको मार रहा है भाई? देखो हर जगह आग जलते जा रहा है, लग रहा है गाइस इसके पीछे क्या सिंचन का लगता है हाथ हो सकता है। एक मिनट टोनी तेरे साथ क्या हुआ? अरे मेरे को सब कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट भाई ये टोनी स्टार्क का क्या हुआ? भाई टोनी स्टार्क तो खून निकलते जा रहा है। अरे फ्रैंकलिन तू आके सिंचन को रोक, सिंचन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। टोनी स्टार्क तुम सब दुश्मन हो मेरे, आज कब तक भागोगे? मैं तुम सबको मारूंगा ये ले। एक मिनट ये तो गाइस सिंचन है, सिंचन तो एबल सिंचन में बदल चुका है यार, इतना खतरनाक कैसे बन चुका है? अरे फ्रैंकलिन इसको रोके, मेरे को मार देगा। अरे तुम सब मरोगे मेरे हाथ से यार। अरे भाई ये कौन है इतना जोर से पकड़ ले? ये तो भाई सिंचन ही है मगर इतना कैसे ताकतवर बन चुका है भाई? ये तो भाई पानी में उठ रहा भाई, तुम ये तुम घुट रहा है। मैं मार दूंगा तुम सब, खत्म कर दूंगा। रिवेंजर ने बताया तुम सब मेरे दुश्मन हो, दुश्मन दुश्मन को खत्म होना चाहिए। ये ले भाई मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, इसका पुराने याद को ताजा करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा हम उसके पुराने दोस्त है। सब झूठ है झूठ है, मेरे को सब बताए तुम सब मेरे दुश्मन हो, मेरे को रिवेंजर ने बताया। अरे भाई सिंचन मेरे को छोड़ दे भाई, मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अरे यार तो गाइस सिंचन को रोकना हाथ से बाहर आ चुका है। क्यों गाइस सिंचन इतना कैसे खतरनाक बन गया? वो तो गाइस हमारी बात नहीं सुन रहा। सिंचन लास्ट बार के लिए मेरी बात सुन ले, याद करो वो दिन हम सब जब पहली बार मिले थे, हम सब कितने मजा किया था। मैं तेरे को एक आरसी कार्ड दिलाया था भाई, पिंचर आने से पहले हम चौबट तीनों के एक साथ खेलते थे एवेंजर्स को। याद कर हल्क तेरे को लेके कितना दूर दूर जाके घूमने जाता था, इतना तो तेरे को याद है ना? मेरे को कुछ याद नहीं। सिंचन तेरे को याद करने का कोशिश करना पड़ेगा, ये तेरा असली रूप नहीं है, तू एक अच्छा 5 साल का बच्चा है, तू बहुत सबकी बात सुनता है। तेरा 2 दिन बाद बर्थडे है, तू भूल गया क्या? तू कैसे इतना कुछ जानता है? नहीं कुछ गड़बड़ है या इतना बिजली का शौकी हुआ यहाँ पे आ रहा है? नहीं यार नहीं। ऑल राइट गाइस, भाई साहब एकदम से भाई सब कुछ शांत हो चुका है। फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ चुका हूँ, मैं सिंचन हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया हुआ क्या था यहाँ पे? अरे ये कुछ तबाह क्यों हो रहा है? भाई साहब फाइनली गाइस हमारा सिंचन फिर से वापस आ चुका है। यहाँ पे हुआ क्या था? अरे भाई बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, आज तेरा बर्थडे। अरे क्या बात कर रहे हो, आज मेरा बर्थडे है? हाँ यार, सो गाइस सब लोग सिंचन को हैप्पी बर्थडे कमेंट कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।